हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंसर्ट टाइप के अंदर टेबल ब्लॉक की। तो फ्रेंड्स, टेबल ब्लॉक में क्या होता है कि हम टेबल बनाने का यूज होता है टेबल ब्लॉक में। तो जैसे ही हम टेबल ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो ये आ रहा है ऊपर टेबल, तो इसमें आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी टेबल चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको चाहिए 5 कॉलम और 8 रो की एक टेबल चाहिए, है ना। कॉलम जो खड़े हुए होते हैं इस तरह से, जो कॉलम है ना, और रो जो इस तरह से हो जाती है हॉरिजेंटली। तो जो हॉरिजेंटल होते हैं, ठीक है, जो हॉरिजेंटल होता है वो तो होता है हमारा कॉलम, सॉरी रो, और जो वर्टिकली होते हैं वो हमारे होते हैं कॉलम। जैसे कि हमको 8 रो और 5 कॉलम की एक टेबल चाहिए, तो पहले तो 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए, और फिर नीचे डाउन करना है आपको कर्सर को, क्योंकि 8 रो चाहिए हमको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे टिक कर देना है। तो देखिए हमारी ऑलरेडी टेबल बन गई। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 तो हमारे कॉलम्स हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और इसका अगर आपको साइज बढ़ाना है, जैसे टेबल का अगर आपको साइज थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ानी है, देन आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इस तरह से इसको ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं। किसी को छोटा करना है तो इस तरह से ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ भी नाम लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, तो इस तरह से आप कुछ भी इसमें फीड करके काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज समझिए कि अगर हम टेबल के बाहर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से एक टेबल का टूल बार हट जा रहा है। जैसे ही हम इस टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो ये टेबल टूल बार आ जाएगा। बाहर क्लिक कर रहे हैं टेबल के तो वो टूल बार चला जाता है, और अंदर क्लिक करते हैं तो वो टेबल का टूल बार आ जाता है। अब इसमें हम कुछ फीड कर देते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कुछ भी फिट कर दिया, इसी तरह से हमने फिट लिख दिया। इस तरह से हमने कुछ भी इसमें, इस तरह से हमने इसमें एक अपना टेबल फिल कर दिया है। तो देखिए, जैसे हम इसके अंदर क्लिक कर रहे हैं तो टेबल टूल बार आ रहा है। फ्रेंड्स, टेबल टूल बार तभी ओपन होगा जब इसके ऊपर आप टिक करेंगे, है ना। तो हमने टेबल टूल बार पर टिक किया तो ये इस टेबल के लिए ये टूल बार ओपन हो चुका है। तो इस टेबल में आप काफी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इसका डिजाइन चेंज करना है तो आपको ये सारे डिजाइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये कलरफुल हो जाएगा। तो आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है आप इस पर टिक कर सकते हैं, तो आपका टेबल वैसा ही हो जाएगा जैसे आप चूज करेंगे। तो मैं इसमें एक टेबल चूज कर लेता हूँ, मैंने इसको ये वाला चूज कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें यहाँ से कोई सा भी आप टेबल चूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे टेबल के डिजाइन आ जाते हैं, आप कोई सा भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस पर टिक कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ से ये वाला टेबल ले लिया, या फिर हम लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो इसी डिजाइन में सेम टू सेम जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही टेबल प्रिंट होके आएगा, ये ऐसा आएगा देखिए फ्रेंड्स।
मैंने आपको बताया, जैसे हम टेबल के अंदर टिक कर रहे हैं तभी ये टूल बार आ रहा है, बाहर टिक करने पे नहीं आ रहा है। कभी इस तरह से नहीं दिखाई देगा तो आपको टेबल के अंदर टिक करना है और टेबल टूल बार के ऊपर क्लिक करना है, तभी ये टेबल टूल बार आपको शो होगा। अब देखिए हेडर है यहाँ पे, आप चाहते हैं कि हेडर शो मतलब डार्क शो ना हो, तो वहां पर टिक हटा दिया तो डार्क शो नहीं हो रहा है, बट हमें इसके हेडिंग है तो हमने हेडर पे लिख दिया तो ये जो है सबको उसने डार्क कर दिया है। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम अगर आपको डार्क नहीं चाहिए तो यहाँ से टिक हटा दो, डार्क नहीं है ना, टिक लगा देंगे तो डार्क हो जाएगा। इस तरह से ऐसे ही लास्ट कॉलम को डार्क करना है तो लास्ट कॉलम डार्क हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने हमने फर्स्ट कॉलम को डार्क करना है तो फर्स्ट कॉलम पे डार्क कर दिया। अगर आप चाहते हैं टोटल रो, एक नीचे टोटल रो आ जाए तो नीचे एक टोटल रो भी आ जाएगी, बट हमने इसमें कुछ काउंट नहीं किया है इसलिए इसमें शो नहीं हो रहा है। बैंडेड रो का मतलब होता है एक रो डार्क एक रो लाइट। देन आप चाहते हो कि एक रो डार्क एक रो लाइट। देखिए जो एक तो कलरफुल है और एक सिंपल है, यानी एक डार्क है और एक लाइट है, एक डार्क है एक हल्का है। तो आपको अगर चाहते हैं कि सिंपल सारे एक जैसे रहे तो यहाँ टिक हटा दो, सब कुछ सेम ऐसा हो गया है ना। हम चाहते हैं एक कॉलम डार्क हो एक कॉलम लाइट हो थोड़ा अच्छा लगने के लिए, तो बैंडेड कॉलम में क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, बैंडेड कॉलम में एक कॉलम डार्क हो जाएगा एक कॉलम लाइट हो जाएगा। हम इसको हटाना है पहले से करना है तो हम टिक हटा देंगे। हमें रो को डार्क करना है, एक रो को लाइट करना है, तो फिर हम रो पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा, रो में रो रो डार्क लाइट हो जाएगी जबकि कॉलम में कॉलम डार्क और लाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपको इसमें कोई चीज इरेज करनी है ना, कोई लाइन इरेज करनी है, तो इरेजर पे जाएंगे, यहाँ पे इरेजर आ जाएगी हमारा। मान लेते हैं हम इसको ये सबसे लास्ट वाला जो रो है इसको रिमूव करना है, इरेज करना है, तो हम इतना सेलेक्ट कर लेंगे कर्सर माउस से कर्सर पुश करेंगे और थोड़ा सा ये देखिए हट गया है ना। तो इस तरह से आप कोई भी लाइन को हटा सकते हैं इस इरेजर से। मान लेते हैं कि अगर आपको कुछ यहाँ पे लाइनिंग लिखनी है, दो लाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेंसिल अवेलेबल हो जाएगा। पेंसिल से आप ड्रैग कर सकते हैं जितनी भी आपको लाइन चाहिए। अब ये लाइन ब्लैक में आ रही है, बट आप चाहते हो ब्लैक में ना आए कोई दूसरा कलर आए, तो आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं पेंसिल का। हमने यहाँ से रेड कलर चूज कर लिया, तो अब देखिए रेड कलर नहीं आएगा, ये देखिए। तो जो भी कलर आप चूज करेंगे उसी कलर में ये आ जाएगी। अगर आपको ये जो इरेज करना है तो इरेज के लिए इरेजर ही है, तो आप इसे इरेज भी कर सकते हैं, ये देखिए। इस तरह से आप इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे अब डबल क्लिक कर देंगे, मिटाना है तो मिट जाएगा, कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर देता हूँ। इसके बाद शेडिंग होती है। शेडिंग शेडिंग का मतलब होता है जो भी आप कलर लेना चाहते हैं, मान लेते हैं इसका पूरा अंदर का कलर चेंज करना है, तो आप शेडिंग पे क्लिक कर देंगे, जो भी कलर चाहिए वो पूरा वैसे ही ब्लिंक हो जाएगा। इस पर भी हमने क्लिक करके इसी पे क्लिक कर दिया तो ये इस तरह का कलर हो गया है। तो जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो यहाँ से शेडिंग से ले सकते हैं। आपको उतना पोर्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और देन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो वो कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो शेडिंग और बॉर्डर, बॉर्डर इसमें ऑलरेडी आ रखा है, अगर बॉर्डर आपको हटाना है तो आप दोबारा सारा सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर हटा भी सकते हैं। यहाँ पे नो बॉर्डर कर देंगे तो क्या होगा, सारा बॉर्डर हट गया। अगेन बॉर्डर चाहिए तो आपको नेक्स्ट दोबारा उतना ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो एरो आ रहा है एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, तो क्या होगा कि वो बॉर्डर आ जाएगा। जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा इंसर्ट टैब में हम ऑटोमेटिकली जो टेबल लेते हैं, है ना, ये ऑटोमेटिकली जो टेबल लेते हैं वो था। अब इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए जो ये प्लस का निशान आ रहा है इस पर राइट क्लिक करके, है ना, यहाँ से कट भी कर सकते हैं तो वो अपने आप कट हो जाएगा, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसर्ट टेबल। जो ऊपर वाला टेबल है तो ऑटोमेटिकली आ रहा था, बट ये इंसर्ट टेबल में हम जाएंगे। इंसर्ट टेबल में आपसे ये पूछेगा, ये जो डायलॉग बॉक्स है ये पूछेगा कि आपको कितने कॉलम और कितने रो का टेबल चाहिए। इससे पहले वाले में ऑटोमेटिकली टेबल हम सिलेक्ट जितना कर देते उतना टेबल आ रहा था, बट मान लेते हैं आपको ज्यादा टेबल चाहिए, आपको चाहिए 10 कॉलम की टेबल चाहिए और 5 रो की टेबल चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 10 कॉलम कर देंगे एंड 5 रोज कर देंगे।
और ओके कर देंगे। तो देखिए 10 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 रोज हो गई। तो ये 10 कॉलम और 5 रो की टेबल आ चुकी है। जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे टेबल टूल बार आ जाएगा, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको डिलीट करना है तो यहाँ से क्लोज कर देंगे या कट कर देंगे। इंसर्ट में जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं इंसर्ट टेबल पर, तो नीचे भी ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक है फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिल टू विंडो। फिक्स कॉलम विड्थ, इसमें क्या हो रहा है कि कॉलम विड्थ इसमें ऑटोमेटिकली ये ले लेता है, बट हम ये चाहते हैं कि कॉलम का जो विड्थ है वो थोड़ा बड़ा हुआ है, यानी 1.1 इंच में आए। और कितने कॉलम चाहिए, हम मानते हैं 4 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए। तो ये देखिए 4 कॉलम और 2 रो ले लिया, और हमने इसकी विड्थ यानी जो कॉलम की चौड़ाई है वो हमने 1.1 इंच ले लिया था, ओके कर दिया। तो देखिए ये विड्थ जो है 1.1 इंच हो गया है, और जितना हमने 4 कॉलम लिए थे 2 रो ली थी तो वही ये आ चुका है। नेक्स्ट हमने नीचे क्लिक किया, अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम 4 रो कर देते हैं और 6 कॉलम कर देते हैं। ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है कि टेबल ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी बट उसमें स्पेस नहीं होगा। स्पेस का मतलब ये है कि जो इतना गैप है, ये जो कॉलम के बीच में जो गैप है, ये गैप नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली छोटा सा ही बन के आएगा। उसमें जितना आप फिल करेंगे, जितना आप टाइप को फीड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो उतना बढ़ता जाएगा। तो हमने ऑटो फिट टू कंटेंट पे क्लिक करा है, ओके किया। देखिए ये सब छोटे छोटे आ रहे हैं, आपको इसमें फिल करना है जैसे, तो अपने आप हाँ वो बढ़ता जाएगा। देखिए कितना बढ़ रहा है, तो इस तरह से इसमें क्या होगा कि ये अपने आप फिल हो जाएगा। और एक और ऑप्शन है इसमें, वो हाँ वो भी देख लेते हैं। टेबल में, इंसर्ट टेबल में, तो आपको फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब समझ में आ गया। ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उतना ही गैप उसमें अपने आप बढ़ता जाएगा जितना आप उसमें टाइप करेंगे। और थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब ये होता है कि हम जितना भी कॉलम और रो लेंगे वो ऑटोमेटिकली विंडो में फिट हो जाएगा, जैसे कि यहां से लेकर और यहां तक वो फिट हो जाएगा। तो हमने ले लिया, हमने इतना ही लेते हैं, 5 कॉलम और 4 रो ले लेते हैं, ठीक है, या हाँ 5 कॉलम 4 रो ले लेते हैं। हमने यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए कि यहां से लेकर और यहां तक पूरे पेज में ऑटोमेटिकली फिल हो गया है, बिकॉज हमने उसमें क्या सिलेक्ट किया था, हमने उसमें सिलेक्ट किया था ऑटो फिट टू विंडो, यानी विंडो में वो ऑटोमेटिकली फिट हो गया है। ओके तो फ्रेंड्स, इंसर्ट टेबल आपको क्लियर हो गया होगा, इनको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके, सारा सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, वो डिलीट बटन दबा देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करना होता है वर्ड में, जैसे कि किसी चीज का सम करना है, किसी चीज को जोड़ना है ना, किसी चीज की मल्टीप्लाई करनी है, या हमें वी लुकअप का फार्मूला लगा के कुछ कैलकुलेशन करना है, देन आपको क्या करना है, एक्सेल वर्कशीट पे, स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी इसी वर्ड में एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। इसको ड्रैग कर सकते हैं बड़ा करने के लिए। अब मान लेते हैं हमने कोई वैल्यू टाइप करी, अब हमें इसको जोड़ना है सबको, तो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ फार्मूला भी लगा सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट, और हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम इसमें क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सारा सम हो गया, यानी हमने एक्सेल का वर्क वर्ड में कर लिया। और अगर हमें ये काम वर्क करना होता तो इसके लिए हमें एक्सेल में जाना होता, सारा काम करना होता, बट हमें इसे वर्ड में ही करना है, कैलकुलेट करना है और शो भी करना है, तो आप यहाँ से एक्सेल को इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें अपना वर्क करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं।
देखिए, तो ये सारा वर्क एक्सेल पे जो भी आपने वर्क किया था वो आपके वर्ड में इंसर्ट हो गया है। देन इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल, तो पहले हम नीचे क्लिक कर देते हैं। नीचे क्लिक कर दिया, अब क्विक टेबल में जाते हैं। तो क्विक टेबल में क्या होता है, क्विक टेबल से ही समझ में आ रहा है, बहुत तेजी से कोई टेबल चाहिए आपको और आपको बनाना नहीं है, ऑटोमेटिकली उसमें कुछ चेंजेस करके लाना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं कोई भी टेबल। जैसे कि आपको कैलेंडर चाहिए, कैलेंडर में इस तरह से कुछ चाहिए, तो आपने कैलेंडर ले लेना है यहाँ से। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा कैलेंडर आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ से कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, इस तरह से कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आपको एक पूरा टेबल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।